अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो स्पेशली जो है हैंड एंड फीट केयर से रिलेटेड है कि आप सर्दियों में किस तरीके से अपने हाथों और पैरों को खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरीके से आप सर्दियों में अपने हाथों को जो है उसका जो शेड है, जो कलर है, वो 10 शेड जो है उसको गोरा कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी विंटर्स की, कि विंटर्स में, क्योंकि आप जानते हैं कि विंटर्स के अंदर जो है हवा ड्राई होती है, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी जो है उसका रेशियो कम होता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ और पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। आप अपने फेस पे तो बहुत, आप कह रहे हैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, व्हाइटिंग क्रीम्स अप्लाई करते हैं, मगर आपके हाथ और पैर निग्लेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप आज की वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी एक वाइटनिंग क्रीम से के बारे में, और उसके साथ साथ एक वाइटनिंग स्क्रब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस स्क्रब के लिए, आपने लेना है जी 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। मैंने यहाँ पे मकई का आटा लिया है, आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून ही कॉफ़ी का। मैं यहाँ पे नेस्कैफे क्लासिक जो है कॉफ़ी ले रही हूँ, आप साशे भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड किया 1 टेबल स्पून ऑफ दिस कॉफ़ी। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कोई सा भी फेस वॉश जो आप यूज़ करते हैं, आप इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। और अगर फेस वॉश नहीं ऐड करना चाहते तो आप कोई सा भी लोशन, वाइटनिंग लोशन जो आप यूज़ करते हैं फॉर योर हैंड्स और फीट के लिए, वो आप ऐड कर दें। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ही एलोवेरा जेल का। और ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, और ये कुछ इस तरह की शक्ल में जी आपके सामने आ जाएगा। और अब मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 2 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई। अगर आप विटामिन ई ऐड करना चाहते हैं जो बाज़ार से और विटामिन ई मिलता है, तो आप उसका 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज 2 विटामिन ई कैप्सूल आप इसके अंदर ऐड कर दें। और इसको मिक्स करने के बाद आपने अप्लाई करना है अपने हाथों के ऊपर और अपने पैरों के ऊपर, और इसको बिल्कुल जेंटल हैंड के साथ आपने स्क्रब जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से स्क्रबिंग करनी है। या आपकी स्किन की तमाम जितनी भी डेड स्किन सेल्स हैं उनको रिमूव करेगा, और इसको आपने अपने जो डार्क निकल्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करना है। और आप देखिएगा कि रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त आएंगे। और आफ्टर 10 मिनट्स जो है आपने फिर इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना है, और अपने हाथों को जो है आपने जो है धो लेना है पानी के साथ, नॉर्मल जो पानी है उसके साथ। तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, और आपने हफ्ते में इसको 2 दफ़ा करना है, तो यकीन है रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। अप्लाइंग दिस स्क्रब मेरी जो स्किन है इतनी बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट स्किन जो है वो हो गई है, और आप इसको अप्लाई एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। और आपको ये जो आप कह रहे हैं स्क्रब है ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अब मैं बात करूँगी कि आपने विंटर के अंदर जो है अपने हाथों और पैरों के लिए जो है वो किस तरीके से वैसलीन की मदद से जो है क्रीम बनानी है। क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसका जो रेशियो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ दिस। मैं आपको बनाना जो है वो बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको बना लेना है। तो मैंने इसके अंदर लिया है जी 1 टेबल स्पून ऑफ दिस वैसलीन पेट्रोलियम जेली। ये आपने भर के जो है वो ले लेना है इसका, और आपने इसको मुंतकिल कर देना है किसी भी कटोरी के अंदर। तो मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ, आपके हैंड्स बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, और ना सिर्फ वो खूबसूरत होंगे, सॉफ्ट होंगे, उनकी ड्राइनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके साथ साथ जो है हाथों का कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, और आपको बहुत इंस्टेंट जो है वो रिज़ल्ट मिलेंगे। उसके साथ भी हम ऐड करेंगे जी 1 टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन, जैसे कि आपको इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं। तो आपको पता है कि ये भी आपकी जो ड्राई स्किन है उसको सॉफ्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही इसका ऐड करेंगे। ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी जो कॉस्मेटिक स्टोर है वहाँ से मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे भी इसका लूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ दिस, और हम इसको ऐड कर देंगे
इसके अंदर, ये जो हमने डाली है इसके अंदर जी वैसलीन, और पहले हम इसको करेंगे जी मिक्स अच्छे तरीके से। आपने इसको मिक्स जो है वो कर लेना है इसके अंदर, और जब ये अच्छे तरीके से जो मिक्स हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है जी एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल कितना डालना है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ आपने सबकी क्वांटिटी को जो है सेम रखना है, तो तभी आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी एलोवेरा जेल। आप जो मार्केट के अंदर एलोवेरा जेल जो है मौजूद है, डेट इज़ 99% एलोवेरा जेल, आप इसको डाल सकते हैं। ये इस फॉर्म में भी आता है, ये जो है एक आप कह लें कंटेनर जो डिब्बी है उस फॉर्म में भी आता है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर एलोवेरा जेल के। तो आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल जो है वो ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून, और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको अगेन आपने अच्छे तरीके से जी मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये मिक्स करके कुछ इस तरीके से आपके पास इसकी शक्ल जो है आ गई है, मैं आपको दिखा दूँ। आपने इसको मिक्स कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है आप कह रहे हैं एलोवेरा की भी इसमें से खुशबू आ रही है। जब आपने इसको इसके अंदर ऐड कर लिया तो उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो ऐड करनी है डर्मोक्विन 2% क्रीम। मैं जो बनाती हूँ सर्दियों के लिए उसके अंदर मैं ऐड करती हूँ डर्मोक्विन 2%। ये भी आसानी से आपको जो है किसी भी मेडिकल स्टोर से जो है वो मिल जाएगी, इतनी महंगी भी नहीं है। आपने इसका भी 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर ऐड करना है। तो मैं जी इसके अंदर ऐड करूँगी इसका 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इसका, और इसको दोबारा से जी हम क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये जी हो गई है मिक्स, ये देखिए ये मिक्स हो गई है। और इसको मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको बना के जी रख लेना है, और आपकी बहुत ज़बरदस्त सी जो है आप कह लें कि हैंड्स एंड फीट वाइटनिंग क्रीम जो है वो रेडी है। आप इसको अप्लाई करें रात को सोने से पहले, आपने क्या करना है कि अपने हाथों के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है, और आपने पैरों पे भी अप्लाई कर लें इसको, हाथों पे भी अप्लाई कर लें, और सुबह जो है आप इसको वॉश कर लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपके पास जो है इसके रिजल्ट्स आएंगे, और आपके हाथों और पैरों का कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे हैंड्स आपके, फीट भी तो आपके हाथ जो हैं वो हो जाएंगे। तो आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। मैंने अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।